जय माँ जगदम्बे भवानी आपकी जय हो। ये खंडेला से चामुंडा माता के दर्शन हैं। यहाँ पर किस प्रकार माता का आगमन हुआ पूरा परिचय आपको दिया जाएगा। पुजारी जी यहाँ के बारे में बताओ, माता की स्थापना किस प्रकार हुई थी? माता जी की स्थापना, पहले माता जी खंडेला ग्राम में किले वाले एक पहाड़ के नीचे स्थित थी, पहले इसका नाम खंडेश्वर मंदिर है। वहाँ पर पीछे ही मंदिर के पीछे बिल्कुल सटाकर के शमशान घाट थे। तो एक बार पुजारी जी को आह्वान हुआ कि पुजारी जी मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ शमशान घाट है, मेरे बच्चे वगैरह सब आते हैं। तो बोले माई मैं कहाँ ले जाऊँ, मेरे को कौन ले जाने देगा? तो पुजारी जी ने कहा अपने प्रतिष्ठित लोगों से, वह राजाओं का राज था उस टाइम पे, तो उनको कहे भाई ऐसा ऐसा आह्वान है माता जी का। तो बोले महाराज जैसा आपको आह्वान है माता जी का वैसा करो। तो पुजारी जी ने वहाँ से पूजा करके और एक सूत का, कच्चे सूत का कुकड़ी सामने वाले पहाड़ में फेंका, जो करीब 3 किलोमीटर के फासले पर है। वो सूत का जो धागा था उसका एक आगे वाला मुंह जो था वो पहाड़ के ऊपर जहाँ पहुँचा है वहाँ अभी मंदिर स्थित है। तो वहाँ पे जब वो धागा देखते देखते जब यात्री लोग पहुँचे तो उन्होंने माता जी से आह्वान किया, भाई माता जी यहाँ मंदिर कैसे बने, यहाँ तो चढ़ना बड़ा मुश्किल है। बोले ऐसा करो आप एक मटकी पानी का और एक चूने की परात लगा के काम चालू करो। तो उन्होंने एक मटका पानी और एक चूने की परात लगा के काम चालू किया। तो जहाँ उस वक्त जो कारीगर था उसकी घरवाली ख़त्म हुई हुई थी और एक बच्चा छोड़ के मरी थी छोटा, तो वो बच्चा खेलता रहता, वो अपना वो मिस्त्री काम करता रहता। जब पूरा मंदिर बन गया तो वो बच्चे ने खेलते खेलते ही दोनों चीज़ों को उल्टा मार दिया, पानी की मटकी और चूने की पराती को। तो वो जब यहाँ पर जो आदमी लोग थे उन्होंने जो है उस मिस्त्री से कहा, बोले तो इस बच्चे को यहाँ खाया जाता था, इसको बहुत खराब काम कर दिया। तो माता जी फिर पुजारी जी में जो है आह्वान होकर के बोल दिया, बोले तुम बच्चे को क्यों झगड़ते हो? तो मैं मंदिर की बात थी, मंदिर बन गया? बोला हाँ भाई बन गया। तो वो जो पहले वाला मंदिर था वो करीब 20 फुट की ऊंचाई पर था, जो एक मटकी पानी और एक चूने की प्रातिम बना था। विशेषता और है क्योंकि माँ चामुंडा भगवाना है, इसलिए यहाँ पे सामने शिव भी हैं और ये शक्तिपीठ है, बाकी और कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा आपको।